ये है द पब्लिक न्यूज 24 की सीरीज यूपी चुनावी टक्कर। आज हमसे बात करेंगे मथुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार श्री कृष्णा शर्मा जी उर्फ कल्लन भैया। इस बार आम आदमी पार्टी के मॉडल को जनता के बीच में लाकर उन्होंने जनता के बीच अपनी दावेदारी पेश की है। वो एक प्रसिद्ध नेता हैं और द पब्लिक न्यूज 24 के माध्यम से वो मथुरा वासियों को संदेश देना चाहते हैं। आइए सुनते हैं उनकी राय। तो आज हमारे सामने हैं श्री कृष्णा शर्मा जी, जो कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। द पब्लिक न्यूज 24 पे आपका स्वागत है। कृष्णा जी, आप किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा हमारा सबसे पहला मुद्दा है जो भ्रष्टाचार है हमारे प्रदेश में फैला हुआ, उसको हम खत्म करने के लिए हमारी पार्टी अरुण केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में एजेंडा बनाया था, जिससे हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत हासिल की थी, उत्तर प्रदेश में लागू किया। हमारा सबसे पहला जो भारत है वो रेंट का 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल जो है उनकी हालात आप देख सकते हैं इसलिए। और आप दिल्ली में जाकर देखिए, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी अस्पताल है, वो प्राइवेट सबसे बेहतर है। तो यही एजेंडा सारे एजेंडे को लेकर हमारी जो नीतियाँ है नीतियों को लेकर प्रदेश में। आपको नहीं लगता है कि जो दिल्ली की जो राजनीति है, जो आम आदमी पार्टी जीतती है, वो जैसे कि आपने बोला फ्री एजुकेशन और फ्री बिजली पे होती है, बट आपको नहीं लगता है कि जो यूपी की जो राजनीति है वो एक्चुअली जो मुद्दे होते हैं वो एक होते हैं कि दंगे फसाद के ऊपर होता है, जाति भाव के ऊपर होता है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर होता है। तो आपको नहीं लगता है कि जनता आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो रणनीति है, उस पर खारिज रहेगी? देखिए, ऐसा है जैसे आजकल सोशल मीडिया है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। पहले में तो फर्क आ चुका है, अब उत्तर प्रदेश की जनता भी समझदार है, सब कुछ जानती है कि क्योंकि जब चुनाव आते हैं तभी ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम सारे मुद्दे उठाती है सरकार, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये हमेशा से जातिगत मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है, जीती भी आई है, काफी बार जीती भी है, मगर अब प्रदेश की जनता धीरे 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 समझ रही है और वो अब सही को सुनेगी और सही को चुन भी रही है। आपकी पार्टी की तरफ पब्लिक आकर्षक भी हो रही है और आपको पसंद भी कर रही है, क्योंकि उनको दिल्ली एनसीआर जहाँ दूर नहीं है, राजधानी है, हर आदमी दिल्ली जाता आता रहता है, तो उसको आदमी से बहुत पसंद आती है। आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जो सभी बहुत साफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज है तो अरविंद केजरीवाल। इसलिए हमारे प्रदेश की जनता अब धीमे धीमे सही की तरफ जा रही है। वो भी चाहती है कि दंगा कोई नहीं जाता, दंगा तो ये लोग जबरदस्ती करता रहते हैं कि वो हिंदू को राजनीति करो, मस्जिद बना दी, मंदिर बनाओ, ये बघाड़ा बनाओ, आपने सभी जनता को देखा है और आपने झूठे वालों को देखा है, आपने इनके जो आपसे वादे किए कि रोजगार देंगे, आपको जो भी उन्होंने वादे किए उसे एक भी वादे पे ये लोग करे नहीं करे, आपकी आपके भरोसे को इन्होंने धोखा दिया, झूठ बोला, आपसे विश्वासघात किया। मैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से मुझे यहाँ पे मथुरा सीट से विधायक प्रत्याशी बनाया गया है और जो योजनाएं हम इस प्रदेश में लेकर आए हैं, अगर जनता जानती है, जनता जागरूक है, मेरी मैं जानता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमारा दिल्ली में काम देखा है, हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का। अगर अब आप चाहते हो कि दिल्ली वाला एजेंडा उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश भी हमारा खुशहाल बने, तो अब आप सही को सुनिए। अगर हमारी पार्टी का काम किया है तो ही आप हमें वोट दीजिए, अन्यथा आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई सरकार इस समय है तो आप उसको वोट दे सकते हैं, और नहीं लगता है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है। तो ये थे हमारे सामने युवा नेता श्री कृष्णा शर्मा जी, ये थी इनकी राय। कैमरामैन अंशुमन के साथ मैं अभिनव शोत्रिया द पब्लिक न्यूज 24 से।
नमस्कार, जय हिंद।